हिंदी लिखो इफ द यूनिट प्लेस डिजिट सर आपका वीडियो ऑफ है। नहीं सर ऑन है। ऑन है नंबर सर पूरा ब्लैक बोर्ड नहीं डिविजिबल बाय देन द नंबर सर ब्लैक बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा डिविजिबल बाय हाँ बोलो ग्रीन बोर्ड नजर नहीं आ रहा है यस सर अब आ रहा है तो पूरा दिखता है देखो यहाँ पढ़ रहा हूँ इफ द यूनिट प्लेस डिजिट ध्यान देना है इस बार प्लेस यूनिट प्लेस डिजिट को देखो हमको पूरे नंबर को नहीं देखना यूनिट प्लेस देखो यूनिट प्लेस अब इसको टेस्ट करना है कि पुश से डिविजिबल है या नहीं ये नहीं पूरे ये नहीं जहां दे पुश से डिविजिबल पूरे डिवाइड करने के लिए नहीं है यू नॉट डिवाइड द यू है नंबर बट लास्ट नंबर देखेंगे इज द लास्ट डिजिट यस सर यूनिट प्लेस डिजिट क्या है फोर फोर अब फोर टू से डिविजिबल फोर टू से डिविजिबल है कि नहीं है यस सर डिविजिबल है यस सर है इसलिए दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय टू 1,35,674 इतनी बड़ी संख्या टू से डिविजिबल है हम पता कर लिए सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट को देख करके कि अगर फोर है फोर डिविजिबल है टू से ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा टू से निश्चित इसके फायदे क्या है जितना नंबर हो जितना डिजिट हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा समझ में आया यस सर तो कितनी yes, अच्छी sir. बात है कितनी अच्छी बात है कि हमको नंबर बड़ा होगा थ्री डिजिट का फोर डिजिट का फाइव डिजिट का यहाँ तो अपने और उसको हम सिर्फ लास्ट डिजिट यूनिट प्लस डिजिट को देखकर बता सकते हैं वो डिविजिबल है या नहीं हमको पूरा देखने की जरूरत ही नहीं सिर्फ यूनिट प्लस से पता चल जाएगा हुआ ना मैजिक yes, एक तरह से मैजिक हुआ बहुत बड़ी संख्या में रहेगी तो हम तुरंत आंसर कर देंगे कि हाँ यस This is divisible by 2 or not. Okay? So, we have a thing divisible by 2. By 2. अब इसमें आगे हम कौन कौन सा है सही नाम है 1, 2, 5, 6, 7 अब ये डिविजिबल है या नहीं है नो सर नो सर नो सर नॉट इंडिविजुअल नहीं हो रहा है ये नंबर
अब क्या होगा सर? है आंसर कर रहे हैं है या नहीं है, ये अच्छी बात है। ठीक है, यस सर। अब आपको इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, बुक no, में आपके लिए कोई प्रश्न रहेगा है ना? डिजिट को देखना है, डिजिट टोटल कितने होते हैं बताओ? डिजिट टोटल कितने हैं? जैसे लास्ट में 4 है, 7 है, 6 है, और क्या क्या हो सकता है डिजिट के रूप में? 2, 4, 6, 8, 0 2, 4, 6, 8, 0 और लास्ट में 0 भी रहेगा तो होगा है ना? यस सर। हाँ, तो 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये है, इनमें से कोई एक है तो निश्चित डिविजिबल होगा, 0, 2, 4, 6, 8। अगर लास्ट में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऑड नंबर, इसमें कौन सा नंबर कहते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 सही है नंबर, ऑड नंबर। 1, 3, 5, 7, 9 सर ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर रहेगा स्वाभाविक है कि उसे डिविजिबल नहीं होगा, इसी को हम ऑड कहते हैं। तो फिर पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना? यस सर। बस सिर्फ इवन और ऑड देखना है कि अंतिम डिजिट यूनिट प्लस डिजिट इवन है या ऑड है। इवन रहेगा तो टू से डिविजिबल है, ऑड है सिर्फ अंतिम डिजिट। चलो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होगा? नो सर। कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है हमें कैसे पता चलेगा? विदाउट डिवाइड, बिना उसको डिवाइड किए डिवाइड करेंगे तब तो हो ही जाए, पता ही चले। और ये डिसाइड करना है बिना डिवाइड किए हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है और फिर भी हम आंसर बता देंगे कि डिविजिबल होगा किससे या नहीं? है देखो नंबर जितने भी उसमें हैं सबको जोड़ देना है, अगर उनका जोड़ पाएगा वो फिर से डिविजिबल है तो नंबर भी फिर से डिविजिबल है। मतलब हमको डिवाइड ना करके डिजिट को ऐड करना है, हम डिजिट को ऐड करेंगे और उसको देखेंगे तो वो डिवाइड है।
खाली जगह ऐड करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या नहीं होगी, नंबर ज्यादा हो सकता है। अब इसको टेस्ट करना है फिर से डिब्यूल है या नहीं है, कैसे बता दी होगी है सर, क्योंकि इसके लास्ट में वन है। अरे पगली ऐसा कैसे होगा, ये किसने कहा कि लास्ट में डिजिट वन है, अभी यही लिखा हुआ है, ये टेस्ट करने के लिए यही देखना है लास्ट डिजिट को। हेलो क्या समझते हैं, क्या समझे तुम सम ऑफ डिजिट सर, ये डिविजन नहीं होगा, डिजिट को जोड़ो, डिजिट को जोड़ो, ये लास्ट डिजिट देख रही है, इतना ऊपर लिखा हुआ है तो लास्ट देख रही है, इसी में लास्ट नहीं देखना है, सबको ऐड करना है। 3 + 4 कितना होता है, 7 आप अलग करके देख सकते हो, इसको चेक करने के लिए आप फिर से अलग नियम किया जा सकते हो, अलग फिर से डिवाइड होगा, चेक करो क्या है, 3 + 3 लगेगा पूरा पूरा कर जाए, 3 + 3 = 1, 1 = 5, 3 = 3, 5 = 3, 7 = 3 = 6 = 1, 1 = 8, 8 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1 = 1, 1
नंबर जो हमने 3 4 5 7 8 रहने दिए, अब ये डिविजिबल होगा या नहीं? यस सर, हो जाएगा डिविजिबल। ठीक है, जब उस पर होता नाइन बार में तो हम कहेंगे ये जो नंबर है 3 4 5 7 8 ये
आंसर डिविजिबल बाय द सम फॉर द सेवन डिविजिबल है ये नंबर से फाइव से ये भी डिविजिबल है ठीक है। एक ही एग्जाम बुक से हम आपको कौन डिविजिबल है कौन नहीं है बता देना। जब वन फाइव से लिखा तो 28 हुआ नहीं डिविजिबल, वन हटा दिया अब तो समझ तो मुश्किल में आ गया। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। यस सर आवाज नहीं आ रहा है। आपका वीडियो पॉज्ड है। सर आपका वीडियो पॉज है। सर क्लास में लेफ्ट हो गए। हेलो यस सर। यस सर डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। अब आपको करना है ये दोनों समझ में आएगा मैं स्लीप वाला। यस सर अब फाइव से चेक करो फाइव होगा कैसे पता चलेगा पता है हम गप का बंद कर दिए टेबल तो सबको आता है। 40 में खत्म हो गया था। 46 सॉरी। 5 का टेबल सब जानते हो ना? यस सर। उसके टेबल में लास्ट
लास्ट डिजिट क्या होता है, जो यूनिट का डिजिट है क्या होता है? सर 5 0 5 and 0 5 and 0 और कोई होता है इसके अलावा? दो के अलावा तीसरा? नो सर, नो नहीं होता है। 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 last में 20 में 0 25 में 5 30 में 0 30 और बड़ी संख्या भी अगर है 105 215 15 like this तो यूनिट प्लस डिजिट अगर 0 है या 5 यूनिट प्लस इन जीरो और फाइव, या तो जीरो होगा या फाइव होगा, दोनों में से कोई है। देन यूनिट नंबर एट डिविजिबल बाय हमको यूनिट प्लस डिजिट को देखना है। वो अगर जीरो है या फाइव है, दोनों में से कोई एक, फाइव दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये देखो, ये सर दिख रहा है, जीरो और फाइव। If the unit place digit is 0 or 5, 0 होगा या 5? निश्चित ही वो नंबर 5 से डिवीजन होगा, अदरवाइज नो। बाकी किसी और डिजिट के अंदर बिल्कुल नहीं होगा। देख कर डिजिट बता देना है, पूरा नहीं होगा। हो गया 2 3 5 3 नंबर का टेस्ट शुरू होने का भी है, 2 का किया, 3 का किया, 5 का किया, ठीक है? यस सर। आप उस बुक में आपके एग्जांपल होंगे एक्सरसाइज में, उसको देखो जो इस पर आधारित है, बेस्ट है, और उसमें से बताओ कौन है कौन नहीं है। आपके पास है सफेद? यस सर, यस सर। उसमें से देखो कौन सा नंबर पूछता है। सर 2 डिविजिबल बाय 2 ना? यस सर, यस सर। उसमें कौन कौन से नंबर है बोलो सर। 435 हम लोग कर रहे हैं, है ना? यस सर। वर्षी 2 में यस सर 1 टेस्ट वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, ये नहीं पूछ रहा है। यस सर, फिल करना है, फिल करना है सर, फिल इन द ब्लैंक सर, फिल इन द ब्लैंक है। यस सर। सर ए में लिखना है कौन कौन सा डिजिट 2 से डिविजिबल है। हाँ, कौन कौन डिजिट 2 से डिविजिबल? सर ये हम खुद से कर लेंगे पूरा। यस सर, ठीक है, सब लोग कर लेगा पूरा, हो जाएगा। यस सर, यस सर। एक एक पढ़ते जा, बोलते जा। सर 435 बिल्कुल ये होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, ये 2 से नहीं होगा, 5 से होगा या नहीं होगा?
सर होगा 6552। आप ऐसा करो, आपके बुक में तो ठीक है जो दे रहा है, मैं कौन कौन नंबर भर होगी सर? पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है, अब देखो। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है? यस सर। 435 आपको 3, 2, और 5 चेक करना है, 3 से 2 से और 5 से, ये तीनों ऑप्शन वहां भरना है। कहां कौन भराएगा बोलो? सर 5 डिवीजन में भराएगा सर, 5 डिवीजन लास्ट में 5 है तो हर कोई 5 से होगा, बट नॉट बाय 2, बट नॉट बाय 2 सर। 4 + 3, 7 + 5, 12, 2 and last one is 5, so also divided by 5, but not by 2. Lekin yeh 2 se divisible nahi hai. Yes sir. Sir, blackboard pura nahi dikh raha. Ya to dikh raha hai. Ya sir, dikh raha hai. Dekho, 435. Hum dikha rahe hain, dekho. Easy. Divisible, aap check karo na, board nahi dikh raha, to bol rahe hain, sunai de raha hai. 435 को आप टेस्ट करके बताओ कि 235 में किससे डिविजिबल है किससे नहीं है। लास्ट में 5 है इसलिए 5 से होगा, 5 इवन नंबर नहीं है इसलिए 2 से नहीं होगा। ये दो तो देख के पता चल जाता है 5 और 2। रही बात 3 की, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, डिजिट को ऐड करेंगे, ऐड करके सर 4 + 3 + 5 कितना होता है ऐड करने के बाद? 12 और 12 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? है सर, है सर। 435 3 से डिविजिबल होगा, यही तो टेस्ट करना है। समझ में आया? यस सर। आपके बुक वाले 435 को पूछ रहा था कि किससे डिविजिबल है या नहीं है, क्या पूछ रहा है बुक में, क्या है प्रश्न बोलो? तो प्रश्न है, लुक एट द शोइंग नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर सर 1 ही है और 2 नंबर है सर, अप्लाई द डिविजिबिलिटी बाय रूल एंड सो दैट। और नेक्स्ट कोई नंबर बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आगे? 6,552.
इसको आप ऑब्जर्व करके सिर्फ देख के बता सकते हो कि किस नंबर से डिविजिबल है किस से नहीं है। सर टू से है और फाइव से नहीं है। यस सर, यस सर, फाइव से नहीं है ये हम देख कर बता सकते हैं। सर थ्री और टू से डिविजिबल हो रहा है ये। थ्री से भी? यस सर, यस सर। इतना जल्दी थ्री से नहीं सिक्स फाइव।